अब तक हमीरपुर जिला परंपरागत फलों की उपज के लिए जाना जाता था, लेकिन हमीरपुर जिला के तरक्की पसंद किसान इतने में खुद को सीमित ना करके समय के साथ अन्य फलों की खेती की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं हमीरपुर जिला के सुजानपुर के करलाड़ गांव के नटराजन। नटराजन कुमार हमीरपुर जिला में कीवी की फसल पैदा कर अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। हमीरपुर के फल उत्पादक किसान और बागवान अभी तक आम, आड़ू, पलम आदि की ही खेती पर निर्भर थे। हालांकि कुछ किसानों ने जिला में सेब का भी उत्पादन किया, लेकिन अभी तक जलवायु अनुकूल न होने के चलते उन्हें इतनी सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं दूसरी ओर नटराजन कुमार, जो कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्यरत है, ने कीवी की अच्छी पैदावार करके इसको मार्केट में बेचकर मुनाफा कमाना भी शुरू कर दिया है। कीवी एक ऐसा फल है जिससे रक्त की कमी को दूर किया जाता है तथा कैंसर और थैलेसीमिया आदि के रोगियों के लिए इसके सेवन की सलाह दी जाती है। शौकिया तौर पर नटराजन कुमार ने वर्ष 2016 में कीवी के पौधे लगाए थे, लेकिन जब हमीरपुर में कीवी के पौधे चल निकले तो नटराजन कुमार ने इसे बड़े पैमाने पर मार्केट में उतारने का निर्णय लिया है। नटराजन कुमार का कहना है कि कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त होने के उपरांत वे पेंशन पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि बागवानी में अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं। नटराजन कुमार को बागवानी विभाग से भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। नटराजन कुमार ने बताया कि वर्ष 2016 में शौक के तौर पर वे इसके पौधे लेकर आए थे और 3 साल बाद इन्होंने फल देना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में 20,000, 2020 में 50,000 फल लगे थे और इस वर्ष लगभग 5,000 से 6,000 फल इस बार आए हैं, और अगर प्रति पीस की वजन 120 ग्राम के आसपास हो जाता है तो 1.5 से 2 लाख का मुनाफा होने की उन्हें उम्मीद है। वर्ष 2016 में शौक के तौर पे हमने ये पौधे लाए थे और इसको बड़ी मेहनत से लगाया था, और 3 साल के बाद ही इस पौधे ने हमारे को फल देना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें पहले वर्ष में कोई 20,000 के फल लगे थे और दूसरे साल में कोई 50,000 का फ्रूट आया था कीवी का। इस बार हमारे पास जो ये कीवी का फल है ये कम से कम कोई 5,000 से 6,000 पीस के आसपास है, और इसका अगर मान लो 120 ग्राम के पास वजन वेट पर पीस जाता है तो इसका कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का मुनाफा होने की उम्मीद है। नटराजन ने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा उन्हें एक छोटा ट्रैक्टर भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी छंटाई जनवरी माह में की जाती है, जो बागवानी विभाग के कर्मचारियों के द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि इसकी छंटाई के बाद इसमें अच्छे फल आते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी अब इसको लेकर ड्रिप सिस्टम आजमाने की भी योजना है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास जो प्रूनिंग करने के लिए पिछले साल अभी जनवरी में हमने बुलाया था, और इसकी प्रूनिंग जनवरी माह में होती है, और जितनी ज़्यादा इसकी प्रूनिंग होगी उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर फल आएगा। और हॉर्टिकल्चर विभाग के HOD भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा है। बाकी हमारे और भी पौधे लगे हुए हैं, उसके लिए हमारे को हॉर्टिकल्चर विभाग ने एक छोटा मिनी ट्रैक्टर भी दे रखा है, और आगे जो है हम इसको ड्रिप सिस्टम से जोड़ने की प्रयासरत हैं, अगर पानी का सही इंतजाम हो जाता है तो।